नमस्कार, आप देख रहे हैं आईसीबी न्यूज। सूरत शहर की बात करें तो सूरत शहर में एक महिला पुलिस कर्मचारी के द्वारा विधायक के बेटे को रोककर जिस तरह सवाल पूछे गए, उसी के बाद से महिला पुलिस कर्मचारी सुर्खियों में बनी हुई है। आपको बता दें, इस महिला पुलिस कर्मचारी का नाम सुनीता यादव है। सुनीता यादव के द्वारा स्वास्थ्य मंत्री कुमार कानाणी के बेटे को रात को लॉकडाउन के बाद घर से बाहर निकलने के आरोप में रोका गया था। उनसे कुछ पूछताछ की गई थी और उसी के बाद यह मामला बहुत ज़्यादा बिगड़ता हुआ नज़र आ रहा है, जिसे लेकर जो सुनीता यादव है पुलिस कर्मचारी, उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, ऐसा कहा जा रहा है। इस मामले में कुछ खुलासे करने के लिए आज वह खुद लाइव आई थी। आपको कुछ सुनाते हैं क्या कहा सुनीता यादव ने। जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। अभी मुझे अपने मेन पॉइंट पे आना है कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कांस्टेबल नहीं हूँ, मैं एक एलआर हूँ। एलआर के मेरा जो रैंक है वो एलआर है। पुलिस डिपार्टमेंट में एलआर जो रैंक होती है वो शुरुआत की रैंक होती है। आई एम ए पुलिस ऑफिसर इन पुलिस डिपार्टमेंट, माय रैंक इज एलआर। कि मुझे लाइव आने का कारण ये है, मेरी तबीयत ठीक होने ना होने की वजह से मैं मीडिया के सामने नहीं आ पा रही। मीडिया के सामने ना आने का मेरी कि मेरे ऑफिशियली कुछ जो कामकाज है वो बाकी है। ऑफिशियली जब मेरे कुछ प्रोसेस है वो कंप्लीट होंगी, उसके बाद डेफिनेटली मैं कैमरा के सामने आऊँगी, मीडिया के सामने आऊँगी, डेफिनेटली आऊँगी। मैं पिछले जिस दिन मेरे पास मेरे साथ ये घटना हुई, उस दिन के बाद से मैं सो नहीं पा रही हूँ। मेरी आँखें जो हैं वो जल रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि नींद पूरी ना होने के बाद वजह से कितना स्ट्रेस मेरे ऊपर आ रहा है। एलआर के पद पे रह के आपको ये बताना चाहती हूँ कि एलआर की जगह पे रह के जो मैं इतना कर सकती हूँ, जो स्टार्टिंग की ऑफिसर पुलिस डिपार्टमेंट की ये कर सकती है, तो जो एएसआई है, पीएसआई है, जो पीआई है, एससीपी है, तो वो उनके पास कितना पावर है। जो पावर जो है वो रैंक में नहीं है, पावर जो है वो खाकी वर्दी में है। मैं रिज़ाइन कर रही हूँ मेरे आगे के ब्राइट फ्यूचर के लिए। मुझे रिज़ाइन करना है ताकि मैं आगे की और अच्छी तैयारी कर सकूँ। मेन चीज़ है पावर, तो मुझे रात दिन मेहनत करनी है। और एज ए आईपीएस ऑफिसर मैं आना चाहती हूँ। पता नहीं कल क्या हो, कल मैं ज़िंदा रहूँ ना रहूँ मुझे नहीं पता, पर अगर मैं ज़िंदा रही तो मैं पूरी मेहनत करूँगी और आईपीएस ऑफिसर बन के आऊँगी। और उसके बाद जो ये लोग पावर की बात करते हैं, उन सबको धीरे धीरे एक एक करके सब लोगों को हम समझाएंगे कि भाई क्या है क्या नहीं है।